हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क वर्ल्ड एंड हैप्पी फ्राइडे। मैं रेजा आज के फ्राइडे ट्रिप्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं तीन वर्ड है, क्विट, क्वाइट, क्वाइट। इसमें कन्फ्यूजन बहुत है, आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं QUIT, क्विट। क्विट का माना होता है छोड़ना, त्यागना। यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है रुकना या कुछ करना, छोड़ देना। छोड़ना, त्यागना, छुटकारा देना, आजाद, स्वतंत्र, मुक्ति, खाली करना, ये सब शब्द हिंदी में माना है इसका। इसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। जैसे हमारे पास कोई आदत है या हम कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं, इसे छोड़ना या त्यागना, छुटकारा, ये सब क्विट का माना है। इसका एग्जाम्पल से मैं आगे बताने वाला हूँ, इससे पहले समझ लेते हैं QUIET, क्वाइट। इसे क्वाइट पढ़ेंगे, क्विट नहीं, क्वाइट पढ़ेंगे। यह एक विशेषण है जिसका अर्थ है शोर न करना या जोर से न बोलना। जैसे इसका हिंदी अर्थ है शांत, चुप, शांत, निर्वात, शांति, विश्राम, सुख, स्थिरता, चुपचाप, आनंद, ये सब शब्द इसका हिंदी अर्थ है, हिंदी माना है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ QUITE, क्वाइट। ये क्वाइट यह एक क्रिया विशेषण है जिसका अर्थ है काफ़ी, कुछ हद तक या पूरी तरह से, बिल्कुल, संपूर्ण रूप में, सब, पूर्णतया, बिल्कुल, स्वार्था, पूर्ण रूप से, ये सब शब्द इसका हिंदी माना है। फिर से एक बार समझ ले कि QUIT, क्विट। क्विट का माना होता है छोड़ना, त्यागना। QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप। QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, पूरा, पूरी तरह से। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं QUIT, क्विट। क्विट के बारे में जानते हैं। इट इज़ ए वर्ब दैट मीन्स स्टॉप और गिव अप डूइंग समथिंग। यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है रुकना या कुछ करके छोड़ देना। तो यहाँ आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। डोंट क्विट, कीप ट्राइंग, मत छोड़ो, कोशिश करते रहो। मदन क्विट स्मोकिंग लास्ट मंथ। मदन ने पिछले महीने धूम्रपान छोड़ दिया, यानी कि सिगरेट पीना या बीड़ी पीना, जिससे हम धूम्रपान कहते हैं, वो छोड़ देना। तो ये क्विट का ये मतलब है छोड़ना, छोड़ देना। ये QUIET, क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप। इट इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स नॉट टू मेक नॉइज और टू नॉट स्पीक लाउडली। यह एक विशेषण है जिसका अर्थ है, मतलब है शोर न करना या जोर से न बोलना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यू हैव टू बी क्वाइट इन द क्लासरूम। आपको कक्षा में शांत रहना होगा या तुमको कक्षा में शांत रहना है। बी क्वाइट, वी आर स्टडिंग हेयर। शांत रहो, शांत रहे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। यू आर वेरी क्वाइट टूडे। आज तुम बहुत शांत हो। इस तरह का ये QUIET, क्वाइट का माना है, एग्जाम्पल है, जिसे आप फर्क समझ चुके हैं QUIT, क्विट, और QUIET, क्वाइट का फर्क आप समझ चुके हैं। अब यहाँ आइए QUITE, क्वाइट। इसका हिंदी मतलब होता है काफ़ी, पूरी तरह से। इट इज ए एडवर्ब दैट मीन्स कंसिडरेबली टू ए सर्टेन एक्सटेंट और इवन कम्प्लीटली। यह एक क्रिया विशेषण है जिसका अर्थ है काफ़ी, कुछ हद तक या पूरी तरह से। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एग्जाम वाज क्वाइट गुड। उसकी परीक्षा काफ़ी अच्छी थी। आर यू क्वाइट श्योर। क्या आपको पूरा यकीन है। आई क्वाइट एग्री विथ द आइडिया। मैं इस विचार से काफ़ी सहमत हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्वाइट में आपको पूरी तरह से, पूरा, काफ़ी, ये शब्द सब आ रहा है। इस तरह से यहाँ एक और है क्यूट, इसे भी पढ़ लेते हैं। ये QUTE, इसका स्पेलिंग कुछ अलग है और प्रोनाउंस सेम आ रहा है क्यूट। क्यूट का मतलब होता है प्यारा।
इसका और भी माना है चतुर, प्रवीण, कुशल, निपुण, चालाक। इट इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स समथिंग और समवन हु इज लवली, वेरी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, और लुक्स प्रीति अट्रैक्टिव। यह एक विशेषण है जिसका अर्थ है कुछ, मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति जो प्यारा है, वह बहुत सुंदर है, आकर्षक है या सुंदर आकर्षक दिखता है, यानी कि बहुत अच्छा दिखता है। आइए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ए क्यूट लिटिल बेबी, एक प्यारा सा बच्चा। दिस इज ए क्यूट लिटिल हाउस, यह एक प्यारा सा घर है। दैट्स ए क्यूट ट्रिक, यह एक प्यारी सी चाल है। जहाँ हम जिसे जैसा कोई बच्चा को देखे, दिस इज क्यूट बेबी, बोल देते ये बच्चा बहुत ही क्यूट है, ये घर बहुत ही क्यूट है, ये बहुत ही क्यूट अच्छा विचार है। इस तरह से जो क्यू यू टी क्विट, क्विट का मतलब प्यारा, चतुर, प्रवीण, कुशल, निपुण, चालाक होता है। इसका और भी एग्जाम्पल है, यहाँ लेते हैं। आई लाइक द काइंड्स ऑफ क्यूट आइडिया, मुझे इस तरह का प्यारा विचार पसंद है। वह सी इज रियली काइंड ऑफ क्यूट, वह वाकई बहुत प्यारी है। दे आर क्यूट एंड रियली लाइकेबल, वे प्यारे हैं और वास्तव में पसंद करने योग्य है। इस तरह से ये भी आप समझ चुके हैं क्यू यू टी ई क्यूट, क्यूट का मतलब प्यारा, सुंदर, बहुत ही अच्छा। इसी के साथ आज का हमारा लेसन चैप्टर यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ चुका होगा, कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर इसके संबंधी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या इस मेल पर ईमेल करें। थैंक यू।